जय बाबा बर्फानी जी। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। प्रभु जी की। हाँ जी प्रभु जी। हाँ तो मैं पूछ रहा था किन्नर मानसरोवर जो यात्रा होता है उसमें रजिस्ट्रेशन भी कैसे नहीं होता है क्या? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं था। वहाँ पे ना हिमाचल पुलिस के अधिकारी खड़े रहते हैं, वो आपका आधार कार्ड नंबर नाम और एज देखते हैं ताकि ये चेक करने के लिए कि कितने यात्री ऊपर जा रहे हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई दिक्कत हो रही है तो पता रहे कि कितने यात्री आगे हैं कितने ऊपर हैं ताकि उनका रेस्क्यू किया जा सके। कोई भी परेशानी जुलाई में 15 तारीख के आसपास डेट आती है। कितने दिन का होती है? एक महीना दो महीना 15-20 दिन के लिए। मतलब जुलाई से अगस्त के बीच में होता है ना? हाँ जी प्रभु जी जुलाई उसके बाद बंद हो जाता है। हाँ जी उसके बाद बर्फ पड़ जाती है, मौसम खराब हो जाता है, बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो यही मौसम ऐसा होता है 15 दिन का जिसमें यात्रा कर सकते हैं। मतलब जुलाई में तो कभी भी जा सकते हैं, फिक्स में इस डेट से यात्रा होगा ऐसा कुछ नहीं है? जुलाई में मतलब कोई भी डेट में जा सकते हैं यात्रा? नहीं प्रभु जी, जब यात्रा खुलेगी ना बताया ना आपको 15 तारीख से या 16 से डेट आती है, 15 से खुलती है 18 से खुलती है, उसके बाद ही जा सकते हैं। उससे पहले आप जा सकते हैं पर यात्रा कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटीज वगैरह फिर नहीं मिलती हैं। तो जिस टाइम पे यात्रा कहाँ चेक करेंगे सर कितना तारीख से स्टार्ट हुआ है? वो अपडेट आएगा, मैं अपने इस बार यूट्यूब चैनल पे भेजता रहता हूँ ना अपडेट जो भी आता है। अच्छा तो अभी वहाँ पे रात में आपने बोला अभी आपको मैं वीडियो देखा है, वहाँ पे रात में रुकने का टेंट होता है क्या? रात में? हाँ मैंने पूरा यात्रा किया है तो अभी तो दो ही पार्ट डाले ना, तीसरा पार्ट भी डालूंगा, चौथा भी डालूंगा, पूरी यात्रा डाल रहा हूँ, आप देखिए उसको आराम से। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कॉल कर लेना आप। ठीक है ओके प्रभु जी, जय बोले जी। किन्नर क्लास के श्रीखंड जी का भी डालूंगा, श्रीखंड की भी करके ना मैंने तो उसका भी डाल दूंगा ताकि देख सकें। ठीक है बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।